मैं तुम्हारा फोन रिचार्ज करवा के दे रहा हूँ ना। हाँ। अगर तुमने किसी और लड़के से बातें की ना तो याद रखना अगली बार उससे रिचार्ज करवा के मुझसे बातें करनी पड़ेगी। शट अप, मैं लॉयल हूँ, बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि तुम रिचार्ज कराओ और बात किसी और से करूँ। जब मुझे राकेश से बात करनी होती है ना तो मैं उसी को बोलती हूँ रिचार्ज करने को। क्या तुम राकेश से भी रिचार्ज करवाती हो? हाँ, तुम तो सिर्फ टॉक टाइम का रिचार्ज कराते हो, वो तो डेटा का रिचार्ज कराता है, इसलिए तुम्हें सिर्फ कॉल करती हूँ और उसे मैसेज। एक मिनट, सब कुछ बंद, कॉल भी मेरी, मैसेज भी मेरा, सब मैं करवाऊंगा। भाई साहब, इनका फोन फुल रिचार्ज कर दो, 20 रुपए का। 20 रुपए तुम्हारे पास? अरे वाह, जाके बड़ा पाप खाते। 20 रुपए का रिचार्ज कौन करता है, कम से कम 100 रुपए का तो कराओ। देखो भाई साहब, अपने हिसाब से मत बताओ। भाई साहब बोल के ना रिलेशनशिप मत बनाओ, मैंने कोई डिस्काउंट नहीं देना। डिस्काउंट तो वैसे देता हूँ, 20 का ये लो रिचार्ज। ये हुआ 10 और 10 20, ये लो 10 और ये 20, अभी 10 वापस दो, ये हो गया 10 का डिस्काउंट। जाओ इसमें इसमें आपको 10 मैसेजेस फ्री हैं। मतलब कि मैं किसी को भी 10 फ्री मैसेजेस भेज सकती हूँ? आप नहीं कर सकती, मैं आपको भेजूंगा 10 मैसेज आई लव यू के। ये मैसेज नहीं करना, ये भेजना पड़ेगा। ये क्यों? ये कोड वर्ड है, जब तक ये नहीं भेजेंगे तो चार्ज नहीं होगा। तो हमें रिचार्ज नहीं करवाना, चलो जानू। अच्छा सुनो ना जानू, अब जब हम इतनी दूर आए हैं तो प्लीज एक मोबाइल गिफ्ट कर दो ना। इतनी दूर तुम श्रीनगर आई हो? नहीं नहीं नहीं, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, सुबह सुबह मैंने टिक्की खाई थी, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अच्छा, खूब समझती हूँ मैं, तुम मुझे ना प्यार नहीं करते। हाँ, गरीब कहीं के, अगर मैंने राकेश को बोला होता ना तो रिचार्ज नहीं पूरी की पूरी मोबाइल की दुकान खरीद देता। तो बोल दो राकेश को मेरे सारे मोबाइल बिक जाएंगे, मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं गिफ्ट करूंगा लेकिन तुम राकेश का नाम मत लेना, गर्लफ्रेंड मेरी है, तुम गिफ्ट क्यों करोगे? चलो मैंने किया है तुमने किया है, एक ही बात थोड़ी है। मैडम आपको एक फोन दिखाता हूँ मैं, ये फोन लो आप, इस फोन को खरीदिए आप, इसके साथ आप लंदन भी जा सकती हैं। लंदन? हाँ। वो कैसे? इस पे फेसबुक डाउनलोड करो, उसके बाद अमीर से लड़का पटाओ, उसको बोलो लेके जाए। ओए, लंदन मैं जाऊंगा। आप भी जा सकते हैं लंदन। ये लीजिए फोन, ये वाला फोन लीजिए। हाँ? इसमें मैप है। हाँ? तो मैप है लंदन का, देखते जाओ और पैदल पैदल निकल लो। रस्ते में थोड़े वो आते हैं यार, वो रस्ते में थोड़े वो क्या गिले गिले होते हैं, जो गिले गिले समंदर समंदर आता है। हाँ। वो उसमें थाली 3 4 6 12 समंदर तैरने पड़ेंगे, ले जाओ। मुझसे इतना सा तालाब नहीं तैरा जाता, मैं समंदर कैसे तैरूंगा? तो मैडम मेरा पहले वाला आइडिया ठीक है, वही बॉयफ्रेंड वाला, वही लेके जाएगा आपको। ओह जानू, एक मिनट भैया, आप एक काम कीजिए। भैया किसको बोला तूने? सॉरी सॉरी सर, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे मेरे को प्यार से जानू जानू कहते हैं। जानू, जानू इसको कहते हैं? किसको? वो जामुन कहते हैं इसको, जानू नहीं होता। जामुन। आप ना मुझे एक ऐसा मोबाइल दिखाइए जिससे पानी में भी सेल्फी ले सकते हैं। अच्छा, पानी में सेल्फी लेनी है? ये वाला ले लो पानी में सेल्फी, पर जब आपको नहाना मेरे को बुला लो, मैं आपकी फोटो लूंगा आके। मैंने तेरे सारे फोन तोड़ देने, मेरी गर्लफ्रेंड तुझे क्यों बुलाएगी? तो मेरे से क्या पूछ रहा है, उससे पूछना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम फोन लेने आएगा, मेरी बातें सुनने आए हो? फोन लेने फोन लो ना, मेरी बातें क्यों सुन रहे हैं आप लोग? गुस्सा चढ़ी जा रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा सुनिए सुनिए, ये लो फोन, ये लो फोन, ये फोन आप लो, इससे आप कितनी भी फोन करो, कितनी भी बातें, कितना रिचार्ज, सब कुछ, इसमें का बिल ही नहीं आता है। तो ये पहले क्यों दिखाया? कौन सी कंपनी का है? तुम्हें ना इसीलिए हम शो में नहीं बुलाते, तुम्हारी अकल बिल्कुल जरा सी भी अकल नहीं है, बदतमीज। एक्चुअली ये फोन मैंने सिद्धू जी का चुराया, तो आप कितना भी यूज करो आपका बिल नहीं आया, बिल सिद्धू जी का आएगा। नहीं 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 नहीं, हमें चोरी किया हुआ फोन नहीं चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप हमें एक ऐसा फोन दिखाइए जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हो। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? ओके चेक करें दो। हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है ये जो फोन है, ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फोन है, इसमें आप जो भी ऑन करोगे सामने टीवी पे चलेगा। क्या बकवास कर रहे हो, मतलब यहाँ पर मैं स्विमिंग पूल ऑन करूंगा तो सामने स्विमिंग पूल बन जाएगा? घर से नहा के ना हो तो ऐसे आइडिया आते हैं। स्विमिंग पूल ऑन करोगे, स्विमिंग पूल कैसे ऑन कर सकते हो? इसमें सिर्फ लाइव टीवी प्ले होता है, वीडियो प्ले होते हैं। मतलब कैसे कैसे करके बताऊं? हाँ, टीवी रेडी 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 रेडी। टीवी कैसे बोल रहे? मैंने बताया ना नवीन टेक्नोलॉजी है यार, तुम समझ नहीं रहे। देखो अभी देखो, टिंग पारो, ए पारो, पारो तुम कहाँ पारो?
चुनी बाबू तुम पारो के कपड़े डालकर कहाँ आ गए तुम चुनी बाबू? चुन्नी बाबू, हम आपको कहाँ से चुन्नी बाबू लगते हैं? ये चुन्नी और ये बाबू है। हम चुन्नी बाबू नहीं, हम आपके पारो हैं। मैं चपेट मार रही इधर। हम पारो हैं। देखो या तो तुम सुंदर हो जाओ या फिर किसी और का पारो बनाओ, वरना हम नहीं खेलेंगे। अरे यार ये कितना सस्ता दे बाबू है। और... मोबाइल आपने सस्ता चुना ना, अगर आप एक सेकंड पॉज करो, पॉज देखो, ये आप महंगा वाला मोबाइल ले लो। अच्छा इसमें आप देखोगे ना तो इसमें देवदास बना हुआ है ब्रैड पिट, और पारो जो बनी है वो है जैकी चैन है। लेकिन ये पारो इतनी मोटी क्यों है? मैडम यहाँ पे नेटवर्क बहुत ज्यादा आ रहा है, देखो छह डंडे है ना तो ये मोटी होगी ये। और वैसे भी आप ऑनलाइन देख रहे हो ना मैडम, 1921 तो हो ही जाता है। हाँ लेकिन ये 1900 है यार। एक मिनट मैडम, आपको ऐसे इंटरेस्ट नहीं आएगा, मैं आपको एक और चीज करता हूँ, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ, ये देखो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, बहुत ज्यादा फास्ट, नॉर्मल नॉर्मल। क्या चाहिए आपको? देव बाबू आपके पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, लेकिन वहाँ तो नहीं है ना। ए यार ये तो दीवार के डायलॉग बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, इधर दीवार पे क्या लिखा साहब का, देखो हार्ट अटैक के साथ बवासीर का इलाज मुफ्त किया जाता है, आप कैसे बोल रहे हैं? अरे नहीं नहीं ये बच्चन साहब की दीवार की बात कर रहे हैं। बच्चन साहब के घर मैंने देखा, उनकी दीवार पे लिखा कूड़ा फेंकना मना, तुम मत जाना उधर। ये क्या है? मैं क्या बता रहा हूँ, तुम क्या समझ रहे हो, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर समझ नहीं आना है तो इससे अच्छा साउथ इंडियन फिल्म चला दो। इतनी कॉम्प्लिकेशन है तो मर क्यों नहीं जाते तुम? देवदास यू आर अंडर अरेस्ट। देवदास नहीं, पुलिस पहुंच चुकी है। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे देव बाबू को मुझसे अलग नहीं कर सकते। नहीं मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, दोनों के बाल पकड़ के मैं पुलिस थाने घसीटते हुए लेके जाऊंगा एक साथ। एक मिनट यार, ये देवदास में पुलिस कहाँ से आ गई? देवदास ने कुछ गलत किया होगा तभी आई है, वैसे क्यों आएगी? देखो पुलिस को कोई नहीं रोक सकता आने से, कल मैं क्राइम पेट्रोल देख रहा था उसमें भी पुलिस आई थी। यार पुलिस तो ठीक है, मुझे लग रहा लदेन आया हुआ है। अरे पर ये देवदास में पुलिस कैसे आ गई? मुझे लगता है कोई वायर इधर उधर हो गई, मैं अंदर जाके ठीक करता हूँ टीवी में, ठीक है? कैसे आ गई, कैसे आ गई? टंकी आई है पुलिस मेरे सामने आई। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा कुछ ले देके इधर उधर हो जाओ, मेरे कस्टमर खड़े। अगर तुम शुरू में ही उस भोले भाले डॉक्टर की बात मान लेते, उसे मोबाइल दे देते, तो अब तुम्हें ये सब नहीं देखना पड़ता। चपो डॉक्टर तू? हाँ मैं। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? ओ हीरो, ओ हेलो, तू क्यों इतना घबराया हूँ? तू तो हीरो है यार। मेरी बात सुनो, सारे टीवी से बाहर जा रहे थे। मेरी बात सुनो, इधर आके समझा, थप्पड़ जा बाप खाएगा। बाहर आ गया, तेरे तो मेरी शक्ल लगती हीरो जैसी। चप्पू ने पैसे दिए मेरे को ये सब करने के लिए। अच्छा तभी मैं सोचूं कि देवदास दीवार का डायलॉग कैसे बोल रहा है। हमें नहीं चाहिए आपसे मोबाइल फोन। अच्छा, चलो ये बात से तुम्हें पता चला है कि ये सब गलत था, पहले आते तुम्हें पता नहीं चला? देखा चप्पू, मैंने बर्बाद कर दिया तुम्हारा मोबाइल का बिजनेस एम्पायर एक डॉक्टर ने। समझा कुछ? मतलब अब ये एक्टिंग के पैसे नहीं मिलेंगे हमें? एक्टिंग बेगम, एक्टिंग के पैसे नहीं मिलेंगे फिर? ओ इसका मतलब नुकसान तुम लोगों का ज्यादा हुआ है, उस हिसाब से तुम देख लो कैसे करना है, कैसे पीटना है। मैंने तो खुद 300 रुपया किराया दिया भाई वर्दी का, मेरे ऊपर उठाने का मतलब नहीं, नुकसान मेरा भी बहुत हो रहा है। बेगम पैसे तो लेने हैं हमने, और मुझे ये फोन भी नकली लग रहे हैं। मेरे पास अगर कोई आया ना तो मैंने सुन लो।